मेरी बेटी 12 डेज की थी, तो किसी ने मुझे कहा कि आप अपनी बेटी की वैक्सीन कर दो। अपनी बेटी को जो है आप ये जो छोटा सा प्लेट है ना इसके अंदर इसका सर रखें तो तब ये गोल बनेगा। ये जो ब्यूटिफिकेशन ऑफ अ बेबी का ये जो कॉन्सेप्ट है मुझे तो इसका बिल्कुल आइडिया नहीं था, क्योंकि एज अ फर्स्ट टाइम मदर तो ऑब्वियसली बहुत क्लूलेस थी, मुझे चीज़ों का इतना पता नहीं था। वो फिर मैंने जब सोशल गैदरिंग्स में उठना बैठना शुरू किया और लोगों ने अपने सजेशंस पोर इन करना शुरू किया, तो मुझे उससे आइडिया हुआ कि लोग इस चीज़ को कितनी इंपॉर्टेंट। बेटी मेरी अब माशाल्लाह 2.5 साल की है, फर्स्ट बेबी थी, तो जाहिर है उस वक्त मैं बहुत क्लूलेस थी, मुझे पता नहीं होता था चीज़ों का। लोग मुझे सजेशंस देते थे, मैं सुनती भी थी, कुछ तो बहुत वियर्ड होते थे। मेरी बेटी छोटी थी तो फाइन हेयर आपको पता है हर बच्चे के होते हैं, अब क्योंकि वो बहुत फाइन होते हैं, तो मुझे किसी ने रेकमेंड किया कि आप आटे की जो लोई होती है वो बना के अपने बच्ची के माथे पे मलोगी तो वो जो फाइन हेयर है वो निकल आएंगे। उसकी क्या नीड थी मुझे बिल्कुल आज तक ये बात समझ नहीं आई। मेरी बेटी 12 डेज की थी, तो किसी ने मुझे कहा कि आप अपनी बेटी की वैक्सीन कर दो, बच्चों की वैक्स आती है तो वैक्स जो है वो मैं उसको कर दूँ। तो उस वक्त मैं बहुत वेयर आउट हो गई थी, क्योंकि सुनकर ये बिल्कुल एक प्रैक्टिकल सी बात लगती है कि आप बच्ची 12 दिन की बच्ची की आप किस तरह वैक्सीन कर सकते हो। आई वॉज ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल लास्ट ईयर, उसके सर पे एक छोटा सा बम्प था जिसको लेकर बहुत सारे लोग न सिर्फ ये कि परेशान होते थे बल्कि वो पूछते थे ये क्या हो गया अचानक से, ये क्या कंडीशन है, ये पता कराओ, ये तो अलग से पता चल रहा है। किसी एक ने मुझे कहा कि अपनी बेटी को जो है आप ये जो छोटा सा प्लेट है ना इसके अंदर इसका सर रखें तो तब ये गोल बनेगा। वो तो बल्कि प्लेट ले ही आई थी कि जाओ मैं तुम्हें सिखाऊं कैसे रखते हैं। हम लोग सबसे पहले डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने एग्जामिन किया, उन्होंने बताया कि ये एक हीमाटोमा है और ये 3 महीने के अंदर जो है वो बच्चे की पैदाइश के 3 महीने के अंदर अंदर डिसॉल्व हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, 3 महीने से पहले पहले ही एक दिन मैंने उस बच्चे का सर चेक किया तो कुछ भी नहीं था। आई बिलीव कि शायद हमारे जो कल्चर है सब कॉन्टिनेंट का वो इस तरह का बन गया है कि अगर बेटी है तो इस तरह से खूबसूरत बनाओ, उसमें उसकी आँखों में ये लगाओ तो उसकी आँखें इतनी बड़ी होनी चाहिए, तो उसके माथे पे बाल नहीं होने चाहिए, तो उसकी नाक पतली होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इट्स अबाउट टाइम कि हमारी सोसाइटी एक स्टेप अहेड ले। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, हमारी सोसाइटी को भी थोड़ा सा ओपन माइंडेड होना चाहिए। सुरमा यूज़ किया जाता है ना तो लेड जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में, ठीक है, तो लेड पॉइजनिंग एक नॉन साइड इफेक्ट है, इन्फेक्शन होने का रिस्क होता है बेबी की आईज़ में। हमारे यहाँ सम और फ्लैट हेड बहुत ज़्यादा वो पसंद किया जाता है, कुछ बच्चे एडल्टहुड में जाके कुछ स्किल्स लूज़ कर लेंगे अगर बहुत ज़्यादा फ्लैट हेड उनका होगा, तो इसलिए नॉर्मल हेड शेप उनकी रहने दें। टाइट कैप पहनाने का नुकसान ये है कि हेड की ग्रोथ अफेक्ट होगी। बहुत से बच्चे बाय 1 ईयर उनकी बहुत सारे रैशेज, बहुत से हेयर, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, तो इसमें बिल्कुल हम नहीं कहेंगे कि उसको एक पेन से गुजारा जाए। नाक दबाने की जिस तरह कोशिश की जाती है तो ये भी बोन बहुत सॉफ्ट होती है, ठीक है, तो उसके डैमेज होने का रिस्क हो सकता है। बाल उतारे जाएं तो बहुत अच्छे आएंगे, इसमें कुछ भी नहीं है, तो उसका जो जेनेटिक पोटेंशियल है उसी तरह बाल आएंगे, तो इसमें एक्स्ट्रा उसमें बाल उतरवाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑलिव ऑयल से उसका मसाज कर लें, मसाज बच्चे के लिए अच्छा होता है और बच्चा काफ़ी उससे रिलैक्स फील करता है।